The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं ट्यूमर कैंसर के बारे में, लंग कैंसर या बहुत सारे दुनिया भर के कैंसरों के बारे में आपने सुना होगा। संजय दत्त को भी भैया लंग का कैंसर या कैंसर हो रहा है। सो अब ये जो कैंसर है इसको आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको किसी भी जगह का कैंसर होगा तो उस जगह का सिम्टम कम में गड़बड़ी आने लगेगी, उसमें लक्षण आने लगेंगे। लंग्स में होगा तो सांस में दिक्कत आएगी, खांसी में ब्लड आ सकता है, खांसी आ सकती है। बट यही चीज़ आपको सिंपल निमोनिया से लेके, कोविड से लेके, टीबी से लेके बथेरी बीमारियों में हो सकता है। सो फिर हम कैसे पता करेंगे कि भाई कोई एक सिम्टम, कोई एक लक्षण लंग का है, कैंसर का है या सिंपल कोई इन्फेक्शन है, कोई और बीमारी है? ऐसे में हमारे पास कुछ ट्यूमर मार्कर होते हैं। ट्यूमर मार्कर ऐसे टेस्ट हैं, कैंसर मार्कर भी कहते हैं इनको, जो ब्लड, यूरिन या बॉडी टिश्यूज़ के अंदर हम चेक करते हैं ऐसे सब्सटेंसेस जो कि नॉर्मल सेल्स नहीं बनाते। ये ट्यूमर मार्कर्स हैं, यानी ये सिर्फ ट्यूमर वाले सेल्स ही बनाते हैं। तो ये ट्यूमर सेल्स आपके शरीर में अगर हैं तो ये मार्कर आपके शरीर में मिलेंगे, वरना नहीं। और कई ऐसे स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर्स हैं जो स्पेसिफिक टाइप के कैंसर में पाए जाते हैं। ट्यूमर मार्कर कभी कभी कुछ ऐसे भी ट्यूमर मार्कर हैं जो कुछ नॉन कैंसर वाली चीज़ों में भी पाए जाते हैं। इसीलिए टोटल ओवरऑल सिम्टम्स को इवेलुएट करके ही एक निष्कर्ष पे पहुंचा जाता है कि भाई ये ट्यूमर है, ये कैंसर है, ये क्या है। तो ट्यूमर मार्कर का इस्तेमाल किया जा सकता है कैंसर है या नहीं पहचानने के लिए, आपका ट्रीटमेंट प्लान करने के लिए, क्योंकि अगर आपके ट्यूमर मार्कर कम हो रहे हैं तो इसका मतलब आपका कैंसर भी कम हो रहा है, आपका ट्रीटमेंट चेक करने के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए कि आपका जो बीमारी है उस वो आगे चल के कैसी बिहेव करेगी, और कैंसर वापस तो नहीं आ गया उसको भी चेक करने के लिए, या फिर कभी कभी सिर्फ स्क्रीनिंग करने के लिए, जैसे आप हर साल दो साल में हेल्थ चेकअप कराते हैं, उस तरह से ट्यूमर मार्कर भी आप करा के देख सकते हो। सो ट्यूमर मार्कर टेस्ट जो होता है वो कैंसर और कैंसर ट्रीटमेंट या हाई रिस्क पेशेंट्स में किया जाता है। अब कौन कौन से टाइप होते हैं, हर एक बहुत सारे ट्यूमर मार्कर्स हैं, आगे चल के और भी आएंगे, सारे के सारे अलग अलग प्रकार के कैंसर के लिए होते हैं। कुछ ट्यूमर मार्कर्स को हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, जो ज़्यादातर मोस्ट कॉमन वाले हैं ताकि आपको बेसिक समझ आए। एक होता है CA125। CA का मतलब है कैंसर एंटीजन। CA125 बोले तो कैंसर एंटीजन 125 नंबर का कैंसर एंटीजन है आपका ओवेरियन कैंसर का, जो कि फीमेल्स में चेक किया जा सकता है। ओवेरियन कैंसर ट्रीटमेंट चेक कर सकते हैं कि सही काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, या वो वापस तो नहीं आ गया उस चीज़ के लिए। सो 125 CA125 ओवरी का कैंसर। ऐसे ही CA15-3 एंड CA27-29 ये भैया है, ये नाम दिए गए हैं ऐसे, इसीलिए आपको ऐसे नाम बता रहे हैं। ये है ब्रेस्ट कैंसर का, ये ब्रेस्ट कैंसर फीमेल में देखा जाता है। फिर देर इज़ समथिंग कॉल्ड एज PSA, ये बहुत कॉमनली होता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये इतना कॉमन होता है, ये प्रोस्टेट कैंसर के लिए होता है, ये प्रोस्टेट की स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है, मॉनिटरिंग के लिए किया जाता है, डायग्नोसिस के लिए किया जाता है। अगर ये आपका 10 से ज़्यादा आ रहा है तो फिर प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर आता है CEA बोले तो कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन। ये कोलोरेक्टल कैंसर, मतलब आपके पेट और इंटेस्टाइन के नीचे के हिस्से वाले स्टमक, उसके कैंसर्स में पाया जाता है। कुछ और प्रकार के कैंसर्स में भी ये पाया जाता है, जैसे लंग कैंसर, थायराइड कैंसर, पैनक्रियाज, ब्रेस्ट और ओवरी। तो ये बहुत सारे कैंसरों के लिए मार्कर है, तो ये बहुत कॉमनली किया जाता है। फिर अल्फा फीटोप्रोटीन AFP, ये लिवर कैंसर, ओवरी या टेस्टिकुलर कैंसर के लिए होता है। बीटा टू माइक्रोग्लोबुलिन, B2M,
बीटा टू माइक्रोग्लोबुलिन ये ब्लड कैंसर्स, लिम्फोमा, ल्यूकीमियाज, मल्टीपल माइलोमास के लिए किया जाता है। तो ये सारे बहुत कॉमन से टेस्ट हैं जो कुछ आपके ब्लड से, कुछ आपके यूरिन से, कुछ हो सकता है टिश्यू की बायोप्सी करके उसमें से लिया जाए। सो ये हेल्प करते हैं टेस्ट डायग्नोस करने में कि आपको कैंसर है या नहीं, आपका कैंसर है तो उसका क्या लेवल है, क्या स्टेज है, और आपके बीमारी अगर ठीक कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो ट्रीटमेंट काम कर रहा है या नहीं, आगे के ट्रीटमेंट को हेल्प करने में भी ये, आगे के ट्रीटमेंट प्लान करने में भी ये काम करता है। याद रखिए, ट्यूमर वार्कर मार्कर टेस्ट बहुत काम के होते हैं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन वो देते हैं वो थोड़ी सी लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी नॉन कैंसरस कंडीशंस हैं जो ट्यूमर मार्कर को भी, जो जिसमें भी ट्यूमर मार्कर मिल सकते हैं। उसके अलावा कई ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें कैंसर होता है लेकिन ट्यूमर मार्कर प्रेजेंट नहीं होता, और हर प्रकार के कैंसर का ट्यूमर मार्कर नहीं है। तो ये तीन लिमिटेशंस है ट्यूमर मार्कर का, वरना ट्यूमर मार्कर्स ऑलमोस्ट ऑलवेज किए जाते हैं जब भी कैंसर का शक होता है। सो याद रखिएगा ये तीन चार बातचीत ट्यूमर मार्कर के बारे में। अगर आपको अपने ऊपर डाउट है कि भाई मुझे कहीं कैंसर तो नहीं है, तो अपने डॉक्टर से ट्यूमर मार्कर के टेस्ट के बारे में बात करिए, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। सो मैं हूँ डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।